नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और सिरसा से कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक तंवर, भाजपा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल, जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्मल सिंह मल्डी मतगणना केंद्र पहुंच चुके हैं। अशोक तंवर ने सबसे पहले सरसाई नाथ और सालासर मंदिर में माथा टेक कर अपनी जीत के लिए अरदास की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आज सिरसा की जनता उनको आशीर्वाद देगी और कांग्रेस के पक्ष में फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि सिरसा की सीट से वे लाखों के वोटों से लीड कर जीत हासिल करेंगे। वहीं भाजपा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल ने कहा कि जनता भाजपा का साथ देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विकास कार्यों को देख करके देश एक बार फिर से मोदी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा के सभी उम्मीदवारों से मीटिंग की थी और इससे पहले सभी उम्मीदवार जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रहे थे। वहीं जजपा उम्मीदवार निर्मल सिंह मल्ली ने भी अपनी जीत का दावा किया। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। मैडम, सभी प्रत्याशी सुबह सुबह मंदिर पूजा जाके आए, आप भी कहीं मंदिर में पूजा वगैरह करके आई हैं क्या? देखिए, मैं परमात्मा को ना इतना सस्ता नहीं मानती कि आप जिस दिन कोई काम हो सिर्फ उसी दिन उसके पास जाएं। मेरा ये नियमित जो है एक सिस्टम है, मैं डेली परमात्मा का नाम लेके ही सुबह का दिन अपना शुरू करती हूँ। क्या लगता है आपको, अभी आज वोटिंग गिनती चल रही है, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, भगवान ने मेरी पहले से ही सुन रखी है, कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी हुई और मुझे जो है जिस तरह की इंट्यूशन हो रही है और जिस तरह के वो मुझे जो है अभी संदेश भेज रहे हैं ऊपर से, वो बड़े शुभ संदेश हैं, बड़े शुभ लक्षण हैं, बड़े शुभ संदेश हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सिरसा में अब की बार कमल का फूल खिलना निश्चित है और सभी हमारे काउंटिंग एजेंट्स और सभी मतदाता भी बहुत जोश में है, बहुत उत्साह में है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो काउंटिंग शुरू हो और शुरू से ही जिस तरह से लीड चले तो उसके बाद वो अंत तक लीड रुके ना, और यही होने वाला है, पूरी उम्मीद है इस बात की। जिस प्रकार के एग्जिट पोल के आ रहे हैं परिणाम, उसके बाद कैसा उत्साह आपको लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले ही रोहतक में सभी प्रत्याशी जो है उनकी बैठक ली थी और सभी प्रत्याशियों से पूछा था कि वो अपना अपना फीडबैक दें, तो सभी प्रत्याशी जो हैं वो आत्मविश्वास से लबरेज थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 की 10 जो सीटें हैं वो लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 300 के पार, जैसा कि आप लोग एग्जिट पोल में भी दिखा ही रहे हैं, 300 के पार जो है वो आंकड़ा ऑलमोस्ट सभी जितने भी चैनल्स हैं वो अगर हम एवरेज लेके चलें तो 300 के पार तो सभी दिखा रहे हैं। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से केंद्र में बनने वाली है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सुबह सुबह पूजा करके आए हैं, क्या मन्नत मांगे हैं? तो जनता ने जो भाग्य है वो मशीनों में कैद कर दिया, सभी इस देश के लोकतंत्र का भी और उम्मीदवारों का भी, पार्टियों का भी, और बाकी तो यही अरदास करके आए हैं कि देश प्रदेश फिर खुशहाली के रास्ते पर चले, फिर विकास हो, फिर प्यार प्रेम अमन चैन शांति और भाईचारे के साथ हम रहे। और निश्चित तौर पर वो अच्छी सोच के प्रतीक के तौर पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में राहुल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, तो यही समझे गए अरदास लगाई कि सब अच्छा हो, प्रदेश देश की भलाई हो, समाज की भलाई हो, सिरसा की भलाई हो, और निश्चित तौर पर अच्छे नतीजे आएंगे, कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और कांग्रेस भारी बढ़त के साथ इस संसदीय क्षेत्र से लेकर के और पूरे हरियाणा और देश के अंदर जीत हासिल करेगी। सर, आप खुद उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े दिग्गज उम्मीदवार हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, सब जनता किस किस को दिग्गज बनाएगी, आज इसका भाग्य का फैसला होना है और सब अच्छा होगा, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में और जनता जो फैसला करती है वही सर्वमान्य होना चाहिए और उसी के अनुरूप फिर आगे मिल करके काम करना चाहिए। कितने से लीड करेंगे? लाखों की विजयश्री लीड मिलेगी, विजयश्री होगी। मैंने अच्छा होगा जो होगा जी, कृष्णा ही होगा, देखना तुझे जो खुलिया ना मशीना, कहना मतलब जिन्नी मजबूती नाल मैदान च उतरे तो उन्नी मजबूती नाल मशीना च निकलेंगे अच्छे तरीके। किस तरह आपको रिस्पांस मिल रहा है, आपको क्या उम्मीद है, किस मुकाबला क्या मानते हैं? किस देखो जी, मुकाबला तो इस तरह जी, आ 2 घंटे में सामने आने वाली गल है, झूठ बोलने का की फायदा जी, किदे नाल सी किदे नाल सी, ये तो जनता है जी। और मैं समझता जनता का फैसला तो कोई भी बुझ नहीं सकता की किया, वो तो जो रिजल्ट आएगा फाइनली उदो होगा जी।
तो आपको क्या उम्मीद है? अच्छी उम्मीद है जी, लोगों ने बहुत अच्छा आशीर्वाद प्यार दिता। नवी नवी पार्टी है जी, तो नवा नवा काम कहने का मतलब ये 70 साल तो लोग सताए हुए हैं, हमें उम्मीद है भी लोग आशीर्वाद देंगे। जीत की उम्मीद है या 100% की उम्मीद है? नहीं देखो जी, जीत की उम्मीद है जी, हर किसी ने जीत की उम्मीद होंगी है। मैं भी समझता मैंने जीत की उम्मीद है, क्योंकि मेरी माँ ने मैंने आशीर्वाद देकर तो रहा भी जीत के आऊंगी। वेरी सिंपल जी गल है जी। गुरुद्वारा देखो जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के, और सब तो वही पूजा तो मैं समझता मेरी माँ है जी, मैं तो पैरी हथ ला के आया, बस वो पूजा कोई नहीं। किन्ने वोटा तो लीड करोगे? ये तो जी हूँ मतगणना दसूगी जनाब।